देवरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला चांदपुर सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित राशन दुकान सिमरिया हराखेड़ा में ग्रामवासियों द्वारा की शिकायत के आधार पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती चारू जैन द्वारा मौके पर ग्रामवासियों के समक्ष जांच की गई। जांच समय लोगों द्वारा बताया गया कि राशन दुकान से गत रात किसी अज्ञात पिकअप वाहन से उपभोक्ताओं को वितरित हेतु आए राशन को कालाबाजारी किए जाने की नियत से ले जाया जा रहा था, जिस पर ग्रामवासियों द्वारा विरोध करने पर उक्त खाद्यान्न को पकड़ने की कोशिश की गई, परंतु मौके से वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। जांच समय कुछ खाद्यान्न राशन दुकान के बाजू वाले घर में रखा पाया गया, जिसे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चारू जैन द्वारा ग्रामवासियों के समक्ष जब्त किया एवं मौके पर राशन दुकानदार मुरारी दीक्षित को बुलाया गया, जो उपस्थित नहीं हुए। राशन दुकान के सहायक विक्रेता मोहित उपस्थित हुए, जिनसे दुकान का ताला खुलवाकर ग्रामवासियों के समक्ष दुकान के अंदर रखे खाद्यान्न की गणना की गई, जो उक्त राशन में प्रथमतः अंतर पाया गया। इसी क्रम में जांच समय उपस्थित ग्रामवासियों के कथन लेख किए गए, जिसमें सभी के द्वारा निर्धारित मात्रा में राशन प्राप्त न होना बताया। साथ ही अंत्योदय कार्ड धारकों को कभी भी शक्कर का भी वितरण नहीं किया जाना पाया गया। उपरोक्त विक्रेता के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्यवाही प्रतिवेदन SDM न्यायालय भेजने की कार्रवाई की गई एवं ग्रामवासियों द्वारा मांग की गई कि उक्त विक्रेता को तत्काल राशन दुकान से हटाया जाए। ग्रामीणों ने बताया, दुकान विक्रेता को एक भाजपा नेता के संरक्षण का प्राप्त है, जिससे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चाहे राशन में कालाबाजारी करते हैं या लापरवाही, ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत की गई, मगर सभी शिकायत कचरे के डब्बे में डाल दी जाती है, जांच का दिखावा कर लिया जाता है। क्या हो गया था रात को? पीसी कहाँ की थी? कौन लाद के ले जा रहा था? भरत की गाड़ी, दीक्षित की लड़का भी था उसमें, मुरारी दीक्षित सोसाइटी चलाते हैं, सोन का लड़का साथ में था। कितनी बोरी माल जा रहा था? आप लोगों को राशन नहीं मिला? और नहीं कोई राशन? आप लोगों का राशन बेचा जा रहा था? बेचा जा रहा था। मैं और तो चलो किलो दे दो।